आज अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट दोस्त राना जवाद अब्बास फिर से एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ हाजिर है। आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आपको पता है बकरा ईद आ रही है, तो इनका जो मॉल भी अभी नया नया आया था, स्टॉक जो है बेसिकली, आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपको ईदी भी मिलेगी। बकरा ईद पर वैसे ईदी तो नहीं मिलती, गोश्त मिलता है। शिराज भाई आपको आज ईदी देंगे, मतलब ये है कि आपको इतनी अच्छी ऑफर देंगे कि आपकी ईदी आप बचा लेंगे अपनी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं अमजद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नया स्टॉक है, कुछ नए मॉडल्स आए हैं? स्टॉक भी नया है, मॉडल्स भी नए आए हैं, और जो है ना उनकी प्राइसेस जो है हम लोग इस दफ़ा बहुत ज़्यादा रिड्यूस करके हाजिर हुए हैं, क्योंकि ईद ऑफर आ रही है, आगे ईद भी आ रही है, तो बकरे शकरे मैंने सुना है कि काफ़ी महंगे हैं इस दफ़ा, महंगे हैं तो हाँ, तो इस दफ़ा से जो है ना वो हमारे कस्टमर्स को इधर से रिलीफ दे रहे हैं, ताकि उनको ये ना लगे कि हम लोगों ने बकरे महंगे खरीद लिए हैं। ये तो लोग कहेंगे बकरा हम इंपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका से। नहीं नहीं, ये वाला कोई सीन नहीं, बकरे इम्पोर्ट नहीं होते, उस तरफ ना ही जाना। ठीक हो गया। आज गाइज आपको बेसिकली, आपको पहले भी काफ़ी अच्छी प्राइजेस देते हैं, आज भी अच्छे ही प्राइजेस देंगे, और कुछ नए मॉडल्स हैं वो भी कवर करेंगे। सबसे पहले बताएं कौन सा मॉडल कवर करें? सबसे पहले जवाद भाई ये देखें, तो शिबा की सबसे लेटेस्ट मॉडल आया, ये तो शिबा टेक्रा जो है मॉडल है इसका Z930, और सबसे अच्छी इसकी जो बात है ना वो ये कि इसका जो प्रोसेसर है वो सबसे अच्छा है इस टाइम। प्रोसेसर स्पेक्स लाइट वेट, ईजी टू कैरी, लिथियम बैटरी के साथ है, और प्रोसेसर इसका जो है वो i7 प्रोसेसर है, 5th जनरेशन है, 16GB रैम है इसमें बाय डिफॉल्ट। अब इवन के जब जो कस्टमर दुकानदार होते हैं ना, ज़्यादातर वो सबसे पहले जो है ना इनकी प्राइसेस रिड्यूस नहीं करते, सबसे पहला जो इनके स्पेक्स आते हैं बाहर से, फॉर एग्जांपल जैसे कि इसमें 16GB है, दुकानदार कुछ ये करते हैं वो सबसे पहले रैम जो है वो निकाल कर इसकी जो है ना रैम 8GB कर देते हैं। ठीक है, प्राइजेस वही रहती हैं, सिर्फ जो है ना उनका एक्स्ट्रा बेनिफिट ये मिल जाता है कि वो रैम निकाल कर वो सेपरेट बेचते हैं, लेकिन हम लोगों का वो काम नहीं है। 16GB बाय डिफॉल्ट दे रहे हैं, और 256 इसमें SSD लगी हुई है, कोर i7 5th जनरेशन है। बैटरी टाइमिंग और रेजोल्यूशन क्या है? बैटरी टाइमिंग इसकी मिनिमम जो है ना वो 4 घंटे की है, क्योंकि इसकी बैटरी, इसकी भी लिथियम है, इंटरनल है, और इसमें भी उन्होंने एक्स्ट्रा डॉकिंग स्टेशन की उन्होंने ऑप्शन दी हुई है, एक्स्ट्रा डॉक लगा सकते हैं, प्लस USB ऑप्शंस हैं, और LAN ऑप्शन है, प्लस SD कार्ड ऑप्शन है, सारी ऑप्शंस दी हुई हैं, और लाइट वेट है जैसे कि आप देख सकते हैं। बिल्कुल, ये मैं फीचर बताना भूल गया इसका कि वाकई ही काफी लाइट वेट है, और बॉडी मेरे ख्याल से प्लास्टिक है, मेटल की मुझे मुश्किल लगता है आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा, मैं टेक्निकल बंदा बनने जा रहा हूँ, टाइम लगेगा ना टेक्निकल बनने में, ऑब्वियसली एक्सपीरियंस ही बंदा सीखता है। अच्छा जी, तो कितने ये जो 256 और 16GB रैम हमारे मेन चीज ये है कि प्रोसेसर i7 है जी जी, कंपनी कोई भी हो, अंदर जो इंटरनली जो हार्डवेयर होता है वो सभी में इंटल आता है। कंपनी से ये बेनिफिट होता है कि कंपनी से जो है ना प्राइस थोड़ी सी कम हो जाती है, जैसे कि अब यही चीज़ अगर i7 होती HP डेल में जनरेशन 5th होती, रैम 16GB होती, तो वो राउंड अबाउट होनी थी 55-56,000 की। ऐसे ऐसे है जी। और ये जो है, ये मैं आपको अपने कस्टमर्स को जो है ना, अपने व्यूवर्स को, जवाद भाई के रेफरेंस से जो आएंगे उनको ये मैं 45,000 में दे दूंगा, i7 5th जनरेशन 16GB 256 SSD के साथ। अब देखें, अगर आप 16 नहीं लेना चाह रहे, वैसे आएगी ही 16 क्योंकि बिल्ट इन है, आपने बताया बाय डिफॉल्ट आती है इसमें 16GB 16 है, और 16 के साथ 256 भी है, और कोर i7 भी प्लस है ऊपर से, फिर आपको 45,000 मेरे ख्याल से आपको अच्छा रेट मिल गया, काफी अच्छा रेट मिल गया। और अभी इसमें पेट्रोल के पैसे निकाल लेंगे नहीं? इसमें सब कुछ निकल आएगा, क्योंकि ये प्रोसेसर और जनरेशन और उसके बाद जो इसमें जो स्पेसिफिकेशन है, मैं कह रहा था वो जो पेट्रोल आए हैं ना, वो बंदे इधर आए हैं, वो सफर करके आए, उनके पेट्रोल के पैसे निकाल ले, इजीली निकलेंगे, निकाल के फिर कितने 43 रह जाएंगे, मैंने 43 नहीं रह जाएंगे उसमें ये सीन है कि ये वैसे जो है ना ओवरऑल मार्केट में ये प्राइसेस नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ हम लोग स्पेशली आपको दे रहे हैं, जो वीडियो के रेफरेंस आएंगे उनको दे रहे हैं, अदरवाइज देखा जाए तो मार्केट में हम लोग भी जो है ना थोड़े पैसे कमाने की कोशिश में होते हैं, ठीक है, तो हम लोग भी जो है ना दुकानदारों को या जो रेगुलर कस्टमर आते हैं, वर्किंग कस्टमर, उनको हम लोग भी 47-48,000 में दे रहे हैं। उस दिन आप ऊपर मुझे शॉप पे मिल गए थे, वो लोगों ने अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा कि शिराज भाई आए, हमें प्राइस अच्छी वो जो आपको देखेंगे तो वो प्राइसेस से याद करेंगे आप। वो इस वजह से मैंने उसमें प्राइसेस रिड्यूस की हैं, क्योंकि उसमें प्राइसेस ज्यादा थी, अब दुकान एक हो, स्टॉक एक हो, प्राइस वैल्यू एक हो, तो फिर अच्छा नहीं होता कि बंदा जाना है एक शॉप से पकड़ के प्राइस दूसरी दे और दूसरी शॉप से जो है प्राइस ज्यादा। ठीक है, अच्छा ये होगी 45,000 के। नेक्स्ट मॉडल पे चलते हैं, डेल का ही इनके पास नया मॉडल, डेल लैटिट्यूड सीरीज आया,
ब्रांड न्यू कंडीशन में। अब नया स्टॉक कहने का मकसद ये है, होते ये यूज में है लेकिन स्टॉक नहीं आया है इनके पास। स्टॉक नहीं आया है, ये अभी अभी समझ रहे हैं, रात को जो है ना आया स्टॉक। ठीक है, ये 360 है, ये 360 नहीं है, टच नहीं है, बट i5 6th जनरेशन है, DDR4M है, लैटिट्यूड मॉडल है इसका। और जैसे कि आप जवाब भाई कंडीशन देख सकते हैं इसकी, ब्रांड न्यू है, स्क्रैच लेस है। ये 74 कौन सा, 70? ये 5480 है, 5480 मॉडल है इसका, 5480 है, लैटिट्यूड सीरीज है, Core i5 6th जनरेशन है, 8GB RAM है इसमें, वायर्ड फोल्ड और 256GB SSD है। ये देख के गाइस बोर्ड्स भी देख लें इसकी, 6th जनरेशन में आता है, ये SD कार्ड की पोर्ट है, बाकी आपको पता है USB की पोर्ट्स होंगी इसके, USB की आती है, LAN की आती है, इवन के इसमें उन्होंने HDMI वगैरह भी दी हुई है बैक साइड पे। टाइप सी है, हाँ जी ये टाइप सी। ये देखिए गाइस खूबसूरत लैपटॉप है डेल का, थोड़े से था ना, थोड़ा सा वेट इसका इससे तो काफ़ी, देखिए इसको मैं उठा रहा हूँ, इसको ये थोड़ा हैवी है, ये थोड़ा स्मॉल है, लाइट वेट है, बट ये डिपेंड करता है ना, आप इसका जो मटेरियल है वो थोड़ा वेट रखता है, वेट इसकी बैटरी जो है वो थोड़ी वेट वो वाली होती है, इस वैसे इसका वेट ज्यादा, बैटरी की वजह से वेट ज्यादा। और कितने का मिलेगा ये? ये जी बात भाई, i5 6th जनरेशन, 8GB 256GB SSD और ब्रांड न्यू कंडीशन के साथ, ये मैं अपने कस्टमर्स को दे दूंगा 46500 में। सोच लें, अल्हम्दुलिल्लाह सोच लिया 500 तो छोड़ दें यार। आपको याद हो कि ये मैंने पुरानी वीडियो में जो पुराना स्टॉक था तब यही प्राइसेस डॉलर इससे ऊपर था, अब डॉलर जो है ना वो समझ लेके थोड़ा सा वो लचक मिली है उसमें, तो इस वजह से हम लोग भी जो है ना अपने कस्टमर्स को ये प्राइस थोड़ी सी रिड्यूस करके दे रहे हैं। लास्ट 48,000 मेरे लिए, अगर आरजे के लिए, अगर अगर रिव्यूज अच्छे आए तो मैं डेफिनेटली इसका 500 छोड़ूंगा। रिव्यूज अच्छे आएंगे ना जब छोड़ेंगे। चले ठीक है, 46 इसकी जो है ना वो प्राइस कर दी है, अब रिव्यूज डिपेंड करता है आप पे कि आपने रिव्यूज मुझे इसके अच्छे देने हैं कि नहीं। अगर नहीं देंगे तो मैं फिर आपको 500 ये प्राइस आपको अच्छी कर दी उन्होंने, 46 मैंने लड़ाई कर ली आपके लिए। बाकी आप अपनी बार्गेनिंग मार्केटिंग स्किल्स यूज़ करें, अगर आपने MBA किया हुआ है, BBA किया हुआ है, या आप स्टूडेंट हैं आप इस चीज़ के, तो वो आपकी स्किल्स काम आएंगी यहाँ पर। तो 46,000 का आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं 6th जनरेशन में। 6th जनरेशन में जी, नेक्स्ट आते हैं जी, नेक्स्ट मॉडल जवाब भाई, ये सबसे लेटेस्ट ऑप्शन आई है और ये पहले हम लोगों ने अभी तक अपनी वीडियो में कवर अपनी की, ये इस दफ़ा जो है ना ये स्टॉक आया है। ये दिखाते हैं जी, इधर थोड़ा सा इन्होंने अभी देखें स्टॉक नहीं आया तो साफ सूफ अभी नहीं किया, थोड़ा सा ये इस पे क्या है ये लगा हुआ है, ये डस्ट वगैरह। अच्छा डस्ट वगैरह, ये डस्ट है। बाकी देखें कितना ये लाइट वेट है और फोलियो सीरीज है, HP की फोलियो में है, ये लाइट वेट है। बाकी यार इस भी मेटल में है ना, ये मेटालिक बॉडी है टोटली, और 13 इंचेस इसका डिस्प्ले है और ये फोलियो बुक आती है और इसका प्रोसेसर भी सबसे लेटेस्ट है और इसके जो स्पेक्स हैं वो आप भी सुनकर परेशान हो जाएंगे और जो हमारे कस्टमर्स हैं वो भी सुनकर हैरान और परेशान हो जाएंगे। टच स्क्रीन में है, फुल HD है, IPS डिस्प्ले के साथ है, विद बैकलाइट कीबोर्ड, और इवन के उन्होंने इसमें जो इसका ट्रैक पैड दिया है वो भी फोर्स टच दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं वो बटन्स वाला प्रोफेशनल सीन वाला सीन ख़त्म कर दिया है। स्पीड वाइज बेहतरीन है, प्रोसेसर टर्बो बूस्ट है, प्लस फिंगरप्रिंट वगैरह दिया हुआ उन्होंने। ये M5 क्या है? ये M5 जो है ना ये i7 के बाद डिजाइन किया गया प्रोसेसर है, जो कि i7 के बाद उससे हाई होता है, उससे हाई होता है। कैशर मेमोरी इसकी भी 4MB आती है और इसका जो प्रोसेसर है ना वो बेसिकली डिजाइन उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो i7 से बाद हुई है, ठीक हो गया, इस वजह से इसको लेटेस्ट कहा जाता है। अब स्पेक्स क्या है इसके अंदर? M5 है, अब इसकी जनरेशन भी देखी जाए तो 7 जनरेशन बनती है M5 की, इसमें एक M3 प्रोसेसर आता है, एक M5 आता है और एक M7 आता है, जैसे कि i3 में भी आता है, ठीक है ठीक है। ये M5 प्रोफेशनल सीरीज का प्रोसेसर है, इसमें 4MB कैशर आती है, 7 जनरेशन का इक्विवेलेंट आता है और इसमें जो स्पेक्स हैं और जो मॉडल है इसका, ये HP फोलियो 1020G1 मॉडल है, 1020G1 मॉडल है और इसमें जो बाय डिफॉल्ट स्पेक्स दी हुई हैं वो बहुत कमाल की हैं। क्या कमाल? 16GB रैम दी हुई है इनमें, बाय डिफॉल्ट DDR4 और बिल्टन है मदरबोर्ड पे, उसको ना तो आप कस्टमाइज कर सकते हो ना ही कोई दुकानदार इसको निकाल सकता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट 16GB रैम है और बाय डिफॉल्ट 128GB इसमें SSD लगी हुई है NVMe में, जबकि ये समझ लगे पिद्दू सा लैपटॉप है, फॉर एग्जाम्पल साइज छोटा है लेकिन इसकी जो यूजेज है वो काफी ज्यादा बड़ी है। एक्सक्यूज अगर लैंग्वेज आपको बुरी लगी हमारी, एक्सक्यूज बिल्कुल। और बाकी मतलब कहने का मतलब छोटा सा लाइट वेट सा लैपटॉप है, ये आपको वैसे ही पसंद आ जाएगा सीरियसली, अगर आपने दो ये इन तीनों में से ये रखेंगे ना सामने तो आपने इसको उठा के वैसे कहना मैंने मुझे पसंद है, लेकिन आप प्राइस का पूछते हैं ना, असल प्राइस आपका बजट रेंज में आता है कि नहीं, क्या प्राइस देंगे इसके लिए? ये जवाब भाई, 7th जनरेशन का प्रोसेसर, 16GB DDR4, टच स्क्रीन, IPS, मेटालिक बॉडी और लिथियम बैटरी के साथ, ये मैं अपने कस्टमर्स को दे दूंगा 60,000 में। 60,000 में
कितने जीरो होते हैं? अल्ट्रा स्लिम 60,000 में जीरो जो है वो चार होते हैं और सिक्स को निकाल के चार जीरो होते हैं। ये ना वो एक थे काफी मशहूर कैरी मिनाटी यूट्यूबर है, क्या उससे किसी ने पूछा था कि 1 मिलियन के अंदर कितने जीरो होते हैं, कितने होते हैं बताएं? 10 मिलियन के अंदर आप बताएं? 10, 7 होते हैं। अच्छा 7 जीरो होते हैं 10 मिलियन के अंदर। तो वो मतलब एक इंटरव्यू दे रहा था कि एक होस्ट थी उसने पूछा सवाल, तो वो थोड़ा सा यहाँ ये अचानक से मेरे से सवाल पूछ लिया इसने, सोच में पड़ गया था कि ठीक है 7 जीरो होते हैं, पता था उसको भी, लेकिन वो जज कर रही थी कि क्या करता है इसका जनरल नॉलेज है या नहीं। बिल्कुल ठीक हो गया। ये आपको 60,000 की यहाँ से मिलेगी आपको। माई कंप्यूटर एंड लैपटॉप इस वक्त मैं मौजूद हूँ हफीज सेंटर लाहौर में बेसमेंट में, LG 52 नंबर इनका जो है शॉप का नंबर है जी। नेक्स्ट मॉडल पर चलते हैं। आप मुझे बता रहे थे कुछ चीज़ भूल गया कस्टमर इधर। हाँ वो असल में जो है ना वो कल एक कस्टमर आए थे, वो बेसिकली आए मेरे ख्याल से रिपेयरिंग के चक्रों में थे, रिपेयर वगैरह करवाने आए थे, तो ये उनकी जो है ना ग्लासेस जो है ना वो भूल गए, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ ये मुझे फिट नहीं आएगी, आपको फिट आएगी, आप बताएं जरा और फिर रिव्यूज देखेंगे। ये ना जी कस्टमर अपने ग्लासेस भूल गए हैं और अगर वो देख रहे हैं ना वीडियो, वो यहाँ पे आके अपनी ग्लासेस जो है ले सकते हैं। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, अगर नहीं आएंगे तो यार मेरे फिट आ गए। ये जिवाद साहब को जो है ना ये फिट आ गई है और इस टाइम आप टॉम क्रूज के 7th या 8th नंबर वाली यार ये मेरे लिए छोड़ के गए थे। हाउ एम आई लुकिंग जस्ट टेल मी इन द कमेंट्स गाइस, कैसा लग रहा हूँ यार, प्यारा लग रहा हूँ, वैसे ना मैच कर गई मेरे सूट। मैंने बोला था टॉम क्रूज की 7वीं 8वीं कॉपी लग रहे हैं। कॉपी लग रहा हूँ यार? नहीं यार भाई कस्टमर की है, आपके आके यहाँ पे ले सकते हैं, पता नहीं कितने की, 2-3 हज़ार की तो होगी यार ये अनक टॉम क्रूज के हाथ लग गए हैं उसको, अब होगी आरजे ने हाथ लगा दी है। अच्छा जी ये बताएं G5 है ये जवाब भाई 1020 है, जैसे कि वो पहले 10G1 थी, ये 1020G2 है, टच स्क्रीन है, X360 है, ये लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने मेंशन किया था, लेकिन हमारे व्यूवर्स जो हैं वो जो इतने प्यारे और इनोसेंट से हैं उन्होंने हमें इस दफ़ा इसमें रिव्यूज कोई इतने खास नहीं दिए। अच्छा तो इस वजह से ये दोबारा जो है ना मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। ठीक हो गया, ऑफर्स आपको अच्छे देंगे ना इसलिए दोबारा इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, लास्ट टाइम भी अच्छी ही ऑफर थी। ये 1020 है और Core i5 7th generation 8GB 256 SSD टच स्क्रीन X360 अल्ट्रा स्लिम विद फिंगरप्रिंट स्कैनर बैकलाइट कीबोर्ड फोर्स टच माउस और लिथियम बैटरी के साथ। मुझे पता क्या लगता है इस पे क्यों आपके वो रिव्यूज नहीं आ रहे, हमारे जो मोस्टली लोग हैं उनके बजट ही 50-60 इतना होता है, थोड़ी सी 70 तक जाएगी ना ये यहाँ तक, इसलिए वो थोड़ा कहते हैं 10,000 रुपये। मैं इसी वजह से तो आया हूँ आज के उसकी प्राइस जो है ज़्यादा। बिल्कुल चलें बताएं क्या अगर जुर्माना करेंगे ये। मैं जवाद भाई जो वीडियोस के रेफरेंस देख कर आएंगे, जो वीडियोस का रेफरेंस लेकर आएंगे उनको मैं ये 64,000 में दे दूंगा। असल में मार्केट वैल्यू इसके अभी भी 70-75,000। ईद से पहले तक ऑफर उठाए, ऑफर से फायदा उठाए, ये बेसिकली प्राइसेस ईद की खुशी में प्राइसेस दे रहे हैं बकरा ईद। बिल्कुल, ताकि आपको एक तरफ से जो है ना रिलीफ मिले और आपके जो दुख है वो बट जाए, बकरे आपको ये ना लगे कि बकरा महंगा आ गया तो लैपटॉप भी हम लोग महंगा ले हैं। बकरे से पहले आप लैपटॉप ले, इनका कहने का मकसद ये है बकरा पहले ले फिर लैपटॉप ले। जी तो ये 64,000 में यहाँ से आप माई कंप्यूटर लैपटॉप से हासिल कर सकते हैं जी। अरे यार पता क्या हुआ, 2-3 जगह ना मैं गया हूँ, मुझे कस्टमर मिले हैं और ना वो मैं दुकानदार भी बैठा हुआ था, मैं भी बैठा हुआ था, वो कस्टमर कहते हैं हमने G3 लेनी है। तो दुकानदार कहता है मेरे पास G3 नहीं, मैं उससे एक अच्छा मॉडल दिखाता हूँ। अच्छा तो वो भी कस्टमर कह रहे थे नहीं जी आरजे ने कहा है G3 ही लेनी G3 है, तो हमने G3 की मैं हमसे बात करें। अब दुकानदार कहता है यार आरजे अजीब बात है यार, उससे अच्छा मॉडल मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने कहा मेरी बात सुनो, जो आपको अच्छी लगती है आप वो लो, मेरे पे ना जाओ। हर बंदे की पसंद अपनी अपनी है, बिल्कुल यूजेज अपनी अपनी है, रिक्वायरमेंट अपनी अपनी है। ऐसा नहीं है अगर मैंने G3 कह दिया तो यही सबसे अच्छी है, नॉट एट ऑल, और भी आपके पास ऑप्शन है। बिल्कुल हैं, बट इस प्राइस बजट में इस जो ये जो प्राइस टैग है 50-55,000 में, इसमें G3 भी पड़ी है हमारे पास, ये वैसे स्पेशली G4 है, G4 है, और जो G3 वगैरह G4 वगैरह इनमें जो है ना बेनिफिट ये है जवाद भाई। अब ये फॉर एग्जाम्पल डेल वाला लैपटॉप है, ये जो HP वाला लैपटॉप है, ठीक है। अब इसमें जो है ना G3 और G4 में जो है ना वो ऑप्शन एक एक्स्ट्रा ये आती है कि इसमें आप एक्स्ट्रा हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं इवन के SSD होने के बावजूद, ठीक है। इनमें जो है ना इनमें डेल में या इसके अलावा जो अदर ब्रांड्स हैं उनमें 2 हार्ड ड्राइव्स की ऑप्शन नहीं आती, सेम टाइम नहीं लगती, हाँ एट अ टाइम नहीं लगती, और वो भी 14 इंचेस वाले में, ठीक है। ये G4
Core i5 है, 7th जनरेशन में ये है। आगे भी आप बताएं आज 7th जनरेशन क्योंकि आपकी फेवरेट है, मुझे पता चले कि आपको कितनी मोहब्बत है। 1080p डिस्प्ले के साथ आती है ये, और इसके अंदर लिथियम बैटरी होती है, DDR4 रैम है इसके अंदर, 256GB SSD और 8GB रैम के साथ। हमारे व्यूअर्स को आप कस्टमाइजेबल है, कस्टमाइजेबल है। और मैं बताता हूँ प्राइस आज मैं दूंगा कितने की दूंगा अपने व्यूअर को, लेट मी थिंक, लास्ट टाइम बता दूं कितने की, लेट मी रिवाइज। ये टच स्क्रीन है ना, मैं बता देता हूं ना, टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन है, एक्स्ट्रा हार्ड की ऑप्शन है, कस्टमाइज के भी ऑप्शन है, ये टच है। टच की प्राइस मैं भूल गया। अच्छा मैं आपको दे रहा हूँ प्राइस, फिर मैं इनसे पूछता हूँ। मैं आपको ना गाइज ये वाली मशीन यहाँ से आपको 57,000 में दूंगा, मैंने कम दे दिया प्राइस, मुझे पता है ना। बिल्कुल आपने बहुत कम दे दिए, मैंने जो है ना, मैंने ये लास्ट टाइम 60,000 में दी थी, अब बहुत ज्यादा भी रिलीफ करना था तो 58,500 करना था, लेकिन चले जवाद भाई ने अगर बोल दिया तो हम आपकी ऑनर करेंगे। ये नहीं कहूंगा कि अगर 57 उन्होंने दे दिया, सीरियसली मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने सोच के दे दिए। अब कितने की देंगे आप? 57 में दे दो, 57 की आपको मिलेगी। अब यहाँ पे आके और ना रोला डालना, और डिस्काउंट दे, फिर ये मशीन नहीं देंगे आपको, यही होगा ना। 57,000 में आपको यहाँ से ये मिलेगी। जनरली मुझे प्राइसेस बिल्कुल याद नहीं थी, मैंने एक जस्ट तुक्का मारा था जिसको पंजाबी में कहते हैं, वो लग गया और लगा नहीं था, इन्होंने फिर भी लगाने की मेरे साथ देने की कोशिश की है। 57,000 में विद टच के साथ, 1080p 8GB रैम, 256 SSD, और दूसरा हाइब्रिड है, अपनी रैम भी अपनी वो हार्ड भी लगाए, SSD भी लगवाए इसके अंदर जी। नेक्स्ट मॉडल पे यहाँ, नेक्स्ट मॉडल जवाब भाई 1030 जो कि इस टाइम सबसे हैवी और सबसे अच्छी ऑप्शन जा रही है, इसके रिव्यूज भी काफ़ी अच्छे हैं। 7th जनरेशन है, Core i5 में है, 8GB रैम मिलेगी इसमें, 256GB SSD, टच स्क्रीन X360, फिंगरप्रिंट, फोर्स टच, बैकलाइट कीबोर्ड, और इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर भी है, वो ये कि प्राइवेसी डिस्प्ले वाला, ठीक है। हाँ, वो साइड वाले जो व्यूवर्स होंगे उनको नजर नहीं आएगा, फ्रंट जो यूजर होगा वो सिर्फ देख सकता है, प्राइवेसी डिस्प्ले का ये बेनिफिट है, ठीक है। अच्छा मैं आपको ना एक बात बता दूं, बाय द वे इन मशीन्स के अंदर ना ऐसे होता है कि मुझे नहीं लगता है इसके अंदर हाइब्रिड ऑप्शन होगा, नहीं इनके अंदर नहीं, जो अल्ट्रा स्लिम जो है। अब आप खुद सोचिए कि जो हार्ड ड्राइव होती है ना वो इनसे फैटी होती है, फैटी होती है, और वो इसके अंदर नहीं आएगी, इसके अंदर हाइब्रिड ऑप्शन नहीं है, नहीं। अब देखें पैसे ज्यादा है, G4 में भी ऑप्शन है, G3 में भी ऑप्शन होगी, और G2 में भी ऑप्शन होती है, G2 में भी होती है, G1 में भी होगी फिर, बिल्कुल। ये सारी जो फैमिली है ना वो एक ही घर की फैमिली है सारी, तो इकट्ठे ही रहते हैं इसलिए बाकी ये मेरे ख्याल से बंटवारा हो गया, लड़ाई हो गई है, तो वो फिर इन्होंने ना खा के वो पतली, ये पतली हो गई। हाँ, इसको उन्होंने डाइटिंग करवाई, कॉफी शॉप भी पिलाई है, तो इसके इसमें नहीं लगेगी यहाँ पे। कितने स्पेक्स बताएं, प्राइस बताएं? 8GB 256 1030 G2 टच X360 के साथ, ये अपने कस्टमर्स को हम लोग इस दफा जो है वो 68,000 में देंगे। 68,000 में पता लग गया होगा प्राइस, आपको लिख लेते हैं, मुझे पता है प्राइस के लिए तो वीडियो देखते हैं आप, जबानी याद हो गई है, दुकानदार खुद बन गए आप आरजे को भूल के। 68,000 में पहले से ज्यादा डिस्काउंट दिया आपको, ईद की ऑफर है, ईदी जी। लास्ट मॉडल रह गया, ये सेकंड लास्ट, इसके बाद भी एक मॉडल है, एक मॉडल है अभी, ये जी अभी बड़ी खूबसूरत मशीन है, देखिए जरा मैं गेस करें इसको, यार मैं स्टिकर देख रहा था पीछे का गाय का, यहाँ मैंने स्टिकर लगा होता है वो मैंने उतार दिया, मैं कर लेता हूँ गैस, इतना बुरा भी नहीं हो गैस करने में हमेशा से। यार ये पहले आपने दो मशीनें दिखाई, पीछे भी वैसे मॉडल लिखा था, 1030 भी दिखाई है आपने, 1030 1020 1840, हाँ ठीक है, अच्छी मशीन है, खूबसूरत मशीन है, देखने में प्यारी है। ये HP के न्यू लोगों के साथ आती है, मैं बताऊँ न्यू लोगों के साथ कौन सी मशीन आती है, 8 जनरेशन में आती है, वो तो 1030 में भी वैसे था न्यू लोगो, 1020 में भी था न्यू, ये तो फिर G5 लग रही है मुझे, हाँ G5 है, बिल्कुल देखा मैं आ गया ना पॉइंट पर, ट्रैक पे आ गया, हिला हुआ था पहले थोड़ा सा, G5 है ये, Core i5 है, 8th जनरेशन है, 8GB रैम है, 256 SSD है, 1080p में ही आती है, और DDR4 इसके अंदर रैम होती है, और बाकी इसके क्या फीचर हैं, पोर्ट्स का मैं बताऊंगा आपको, पोर्ट्स इसके अंदर, इसके अंदर सी टाइप है पोर्ट, हाँ जी सी टाइप भी है इसमें, HDMI भी है, लैन केबल भी है, USB पोर्ट्स भी है। अच्छा आज मैं बताता हूँ व्यूअर्स, ये सिम का भी ऑप्शन दिया हुआ है, इनसे पूछता हूँ सिम चलती है इसके अंदर, यहाँ की जो सिम्स है वो नहीं चलती, यहाँ नहीं चलती, ये असल में बेसिकली डिजाइन जो है वो मार्केट इनकी जो है होती है मैन्युफैक्चरिंग, वो यहाँ पे नहीं होती, ये होती है बाहर, तो इस वजह से इनकी यहाँ की सिम जो है वो सपोर्ट नहीं करती। अच्छा कितने की देंगे आप ये जवाब भाई? G5 टच स्क्रीन वाली है, टच स्क्रीन और प्राइवेसी डिस्प्ले, जैसे कि 1030 में भी मेंशन किया था, इसमें भी ये प्राइवेसी डिस्प्ले की ऑप्शन है जिससे आप प्राइवेसी भी यूज कर सकते हैं,
और इसमें बेनिफिट ये है कि इसमें आप रैम कस्टमाइज कर सकते हैं जितनी मर्जी, एसएसडीज को जितनी मर्जी कस्टमाइज कर सकते हैं। ये देखिए ये बातें मैंने आपको बताई। और कंडीशन इसकी जस्ट लाइक ब्रांड न्यू है। इसमें ये आप अगर देखें तो आप ये खुद फील कर सकते हैं कि ये यूज़ बिल्कुल नहीं हुई और इसमें बहुत ज़्यादा स्टॉक आया हुआ हमारे पास, और आप जितनी क्वान्टिटी चाहें, जितनी साफ मशीन चाहें वो आपको मिल जाएगी। ठीक है गाइस, अभी मेरे बैक साइड पर अगर देख सके ना, मैं अभी आपको व्यू भी चल रहा होगा, काफ़ी क्वांटिटी में इनके पास इस वक्त जो है लैपटॉप्स मौजूद हैं काफ़ी तादाद में। तो जो होलसेल डीलर हैं पाकिस्तान में, मतलब लाहौर से बाहर हैं, कराची से, कहीं से भी वो इनसे रब्ता कर सकते हैं। इनकी कॉन्टैक्ट की डिटेल्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होती हैं और सब कुछ डिटेल होती है। आप लोग वीडियो पूरी देखा करें तब आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, आप लोग हाफ वीडियो या थोड़ी सी देखते हो फिर स्किप कर देते हो। अच्छा जी, इसकी प्राइस आपने बता दी मुझे। इसकी प्राइस जो भाई एट जनरेशन है, अब एट जनरेशन हम लोगों ने लास्ट टाइम भी जो है ना 72,000 दी थी, बट इस दफा जो है ना अपने कस्टमर्स को ज्यादा रिलीफ देने के लिए ईद की वजह से ईद ऑफर, एडवांस ईद ऑफर समझ लें, और ये मैं 68,000 में दे दूंगा ब्रांड न्यू कंडीशन। बट ये प्राइसेस जो है ना, ये आप फाइनल समझें, उसकी रीजन है कि जो प्राइसेस हम लोग दे रहे हैं ये चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूँ, ये पूरी मार्केट में ना तो इस तरह की कंडीशंस कहीं पड़ी है और ना ही इस तरह की कोई प्राइसेस दे सकता है आपको। इस वजह से आप मजीद डिस्काउंट करके हमें शर्मिंदा ना कीजिएगा, डिस्काउंट करके अपना टाइम भी ज़ाया मत करें और इनका भी टाइम मत ज़ाया करें। लेकिन अगर फिर मैं वही कहूँगा, अगर आप MBA हैं, आपने MBA किया हुआ, MBA किया हुआ, BBA किया हुआ, आपको मार्केटिंग स्किल आती है, किस तरह से पैसे कम करवाने हैं, तो वो अपनी स्किल यूज़ करें। नेक्स्ट मॉडल पे हैं ज़रा डेल के साथ, कैमरामैन मुझे घूर रहे हैं, कहते हैं कौन सी मार्केटिंग स्किल है। ये होती है लोगों के पास, बड़ी बड़ी मार्केटिंग स्किल्स होती हैं, वो जो पठानों वाली तो नहीं स्किल है। जी ये लैटिट्यूड सीरीज है जवाद भाई, ऑप्शन काफी अच्छी है, स्पेक्स काफी अच्छे हैं, प्रोसेसर काफी अच्छा है। इसका फिंगरप्रिंट थोड़ा अजीब सा, इसका फिंगरप्रिंट इनमें इन्होंने इसी तरह के दिया हुआ, कहीं होगा ना वैसे, ये पूरा जो स्कैनर होता है बेसिकली फिंगरप्रिंट स्कैन करने के लिए। अच्छा जी, क्या कौन सा मॉडल है ये? लैटिट्यूड सीरीज है, इसकी मॉडल इसका 7490 है और प्रोसेसर इसमें i7 है और जनरेशन इसमें सबसे अच्छी है 8 जनरेशन है और 8GB रैम है, 256GB SSD है, कस्टमाइजेबल है, प्लस प्रोसेसर सबसे अच्छा है और रैम इसमें जितनी मर्जी आप अपग्रेड कर सकते हैं। ये कैमरा, ये बेसिकली जो है ना ये बाहर यूज होता है फॉरेन कंट्रीज में, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में जो है ना, एक सेकंड मैं उतार ही देता हूँ, या मैं कैमरा देखने दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। फॉरेन कंट्रीज में ना जवाब भाई कैमरा अलाउ नहीं होता, चाहे वो यूनिवर्सिटी में यूज हो रहा हो चाहे वो कंपनी में यूज हो रहा हो, तो इस वजह से ही उन्होंने एक्स्ट्रा समझ लिया कि ये कवर। अच्छा, इसको क्लोज करने के लिए कैमरे को बेसिकली जो मार्क ज़करबर्ग है ना फेसबुक के जो बानी है, वो भी अपने कैमरे के आगे ऐसे उसको बंद करके टेप लगा के यूज़ करते हैं ताकि उनकी प्राइवेसी कोई लीक आउट ना हो। जो हैकर्स होते हैं ना कई बार, तो वो फिर आपके सिस्टम में हैक करके कैमरा हैक कर लेते हैं, तो उससे फिर क्या होता है, आप जो कर रहे हैं वो देख रहे हैं। ये एक सिक्योरिटी, एक प्राइवेसी का फीचर है। बिल्कुल ठीक है जी, कितने का मिलेगा हमारे पास ये जवाब भाई? i7 8th जनरेशन लैटिट्यूड ब्रांड न्यू कंडीशन विद ओरिजिनल चार्जर के साथ जो है ना, ये मैं अपने कस्टमर्स को 75,000 में दे दूंगा। i7 8th जनरेशन है और ये भी ये मेटल है कि प्लास्टिक? ये प्लास्टिक बॉडी में, लैटिट्यूड जितनी है वो सारी प्लास्टिक बॉडी में आती है जो। ये मैं इसलिए पूछता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कौन सा मेटल है कौन सा प्लास्टिक है। 75,000 में, 75,000 में इसके अलावा 1,000 और छोड़ दें यार प्लीज, आप बाय करेंगे? मैं नहीं बाय करूंगा, मेरे पास तो है लैपटॉप। अच्छा, बेसिकली अच्छा। जो बाय करने आएगा उसका फायदा करवा रहा हूं। अच्छा, अगर जरूर जो रेफरेंस आएंगे RJ A500 के रेफरेंस जो आएंगे उनको मैं स्पेशली डिस्काउंट दूंगा। 74,000 मिल जाएगा। क्या रह गया चार्जर? ये चार्जर असल में मैं दिखाना चाह रहा था कि लास्ट टाइम हम लोगों ने टाइप सी जो है वो आपको शो ऑफ करवाया था कि टाइप सी जो है 100% जेन्युइन है। ये इसी तरह 840G3, G4, 840G5 और उसके अलावा 1030G1 कोर एम प्रोसेसर वाली, ये उनके साथ आता है ओरिजिनल। इसका जो स्टैंडर्ड पिन चार्जर आता है जिसको हम लोग ब्लू पिन बोलते हैं, ये वो है 100% जेन्युइन। और ये आप जहाँ पे मर्जी दिखा सकते हैं, जिस मर्जी दुकानदार को चैलेंज के साथ जो है ना, ये आप कह सकते हैं कि ये ओरिजिनल है। वो जरा दिखाना है ना, जरा एंड करते हैं, एनक लगा के एंड करते हैं वीडियो का ना। ये जी एनक लगाई है टॉम क्रूज की। ओके, सही लग रहा हूँ। फिर अपना एक्सेंट और अपना स्वैग जो है वो भी चेंज करना पड़ेगा। नहीं, वो इंग्लिश में बोलता है यार बहुत। दिस टाइम टू से गुड बाय टू पीपल ऑफ पाकिस्तान, मे बी दे डिडंट अंडरस्टैंड माय लैंग्वेज। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और अच्छा लगता है आपसे बात करके, और लोग भी आपको पसंद करते हैं और आप प्यारे भी हैं, वो तो पता ही है उनका। कमेंट में बता, शुक्र है अल्लाह पाक का।
और उसी का शुक्र अदा करना चाहिए। मोस्ट डिसेंट पर्सनालिटी ऑफ द फीस सेंटर। हां थैंक यू, माशाल्लाह से, माशाल्लाह से एमएम है इस वक्त आपका दोस्त, आपका उस RJA 500 माइक कंप्यूटर एंड लैपटॉप से फीस सेंटर लोगों से ज्यादा चाहता है। अल्लाह हाफिज़।